नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे टिप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप अपना जो नुकसान है इंट्राडे में उसको कम कर सकते हैं। या काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि भाई आप हमेशा कहते हैं कि आपका जो सक्सेस रेशो है इंट्राडे में वो 80% है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो जो आज मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ वो एक कारण है मेरी सफलता का इंट्राडे में, जिसकी सहायता से मैं 80% सक्सेसफुल ट्रेड्स लेता हूँ। और जैसा कि मैं काफ़ी वीडियोस में आपको कहता हूँ कि आप अपने नुकसान को कंट्रोल में रखिए और अपना नुकसान जो है उसको आप लिमिट करिए, तो ये टिप आपको अपने नुकसान को लिमिट में रखने में भी सहायता करती है, क्योंकि इसकी सहायता से आपका कम नुकसान होगा इंट्राडे में और आपके जो नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान। तो दोस्तों, ये जो टिप है ये एक्चुअली ये हेल्प करेगी आपको ट्रेंड रीकन्फर्म करने में। अब यहाँ पे जब आप इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो आप एक पर्टिकुलर ट्रेंड के साथ जाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज आईटीसी के अंदर इंट्राडे ट्रेड लिया था और इसके अंदर मैंने इसको सेल किया था, शॉर्ट किया था, और मैंने यहाँ पे हैकेनेशी और स्टॉकेस्टिक आरएसआई की सहायता ली थी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं 15 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ, और ट्रेंड के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हैकेनेशी मुझे काफ़ी रिलायबल जो हैं कैंडलस्टिक्स लगती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ट्रेंड के लिए काफ़ी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जो हैं वो हैं बॉलिंगर बैंड्स, आपका जो एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, एनवलप्स, इचिमोकू क्लाउड्स, मूविंग एवरेज, पैराबॉलिक सार और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह के कुछ जो है ट्रेंड इंडिकेटर्स जो है काफ़ी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ट्रेंड को रीकन्फर्म करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको अपना नुकसान कंट्रोल में रखना है और नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल ट्रेड्स इंक्रीज़ करने हैं तो आपको अपना ट्रेंड रीकन्फर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम ट्रेंड को रीकन्फर्म करते हैं दो अलग अलग इंडिकेटर्स की सहायता से। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, मैं बॉलिंगर बैंड्स देख रहा हूँ और उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा। अब मैं उस ट्रेंड को कन्फर्म करने के लिए एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, जो दूसरा इंडिकेटर है, उसका इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बार गलत डिसीजन होता है और इसी चक्कर में हमारा इंट्राडे के अंदर नुकसान हो जाता है। तो अब आप सोचेंगे, भाई अगर हम दो अलग अलग इंडिकेटर यूज़ ना करें ट्रेंड रीकन्फर्म करने के लिए तो हम ट्रेंड को कैसे रीकन्फर्म करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो आपको ये टिप बता रहा हूँ ये एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडर्स जो हैं वो काफ़ी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये टिप मैंने एक, अगेन आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस की बुक में इसको पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी, अगर आप इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी सेटअप आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हैकेनेशी और स्टॉकेस्टिक आरएसआई ही इस्तेमाल करना है, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप नॉर्मल कैंडलस्टिक कर रहे हैं, उसके साथ दो तीन और इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी सेटअप आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपको ट्रेंड को रीकन्फर्म करना है तो आप जो भी टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हैं आप उसके 3 या 4 गुना टाइम फ्रेम वाले चार्ट को देखिए, और दोनों चार्ट्स में अगर आपको सेम सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब वो ट्रेंड आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ सिग्नल का मतलब कि जो आपको ट्रेंड मिल रहा है। तो मान लीजिए मैं जैसे इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे 15 मिनट के चार्ट में जो मेरा सेटअप है, ज़रूरी नहीं कि आपका भी यही सेटअप हो, आपका अपना सेटअप भी हो सकता है, तो 15 मिनट के चार्ट पे मुझे एक अपने सेटअप पे एक सेल सिग्नल मिला कि भाई मुझे यहाँ पे इस स्टॉक को शॉर्ट करना है, तो मैं उस सिग्नल को या उस ट्रेंड को रीकन्फर्म करने के लिए सेम सेटअप को मैं 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर देखूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपको रीकन्फर्म करना है तो वो आपको 3 या 4 गुना जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर रीकन्फर्म करना है। तो अगर मुझे 1 घंटे वाले चार्ट में भी सेम ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो कि मुझे 15 मिनट वाले चार्ट में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड अब पक्का है। और जो भी ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई किया, जैसे आज का अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, ITC का जो मैंने ट्रेड लिया वो इसी टिप की सहायता से मैंने लिया, और उसके अंदर जो 15 मिनट का जो चार्ट था और 60 मिनट का जो चार्ट था, दोनों में उसका ट्रेंड जो है
वो डाउनवर्ड दिखा रहा था जबकि मार्केट ऊपर थी। तो अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप हमेशा मार्केट की दिशा में ट्रेड करिए, लेकिन यहाँ पे क्या था कि क्योंकि 15 मिनट और 60 मिनट का चार्ट आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे ITC को शॉर्ट करने का बहुत अच्छा मौका है या बहुत अच्छी ऑप्शन है, तो मैंने जो है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर इसको शॉर्ट किया और इसके अंदर मुझे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे चेक किया। तो यहाँ पे जैसे मैंने investing.com की साइट ओपन की हुई है और ITC का ये स्टॉक ओपन किया हुआ है, तो यहाँ अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले अपने रूल्स में बता चुका हूँ हाइक एंड ऐशी और स्टॉकेस्टिक RSI के स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में, कि जब आपकी दो लाल कैंडल्स हो जाएं और आपका जो ये स्टॉकेस्टिक RSI की ब्लू और रेड लाइन आपके जो ये लेवल है 80 के लेवल से नीचे क्रॉस करें, इनका क्रॉस ओवर हो चुका है और ये 80 के लेवल से नीचे की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे इसको शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये सिग्नल देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे लगभग 11 बजे के आसपास मिला कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे अभी 15 मिनट का चार्ट मैं देख रहा था उस समय, और मुझे ये सिग्नल मिला कि यहाँ पे इसको सेल किया जा सकता है। तो दोस्तों अब ये जो मुझे ट्रेंड मिला कि यहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इस ट्रेंड को रीकन्फर्म करने के लिए मैंने इसी सेटअप में, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इसी सेटअप को मैंने 1 आवर के ऊपर देखा। तो दोस्तों 1 आवर के ऊपर अगर आप देखेंगे 11 बजे के आसपास, जैसे ये आज का दिन है 18 तारीख, तो ये पहले मुझे दो ग्रीन कैंडल्स दिख रही थी, लेकिन ये जो 10:30 बजे कैंडल फॉर्म हुई वो एक थिन कैंडल फॉर्म हुई रेड कलर की, और ये अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम है कि ये जो इस तरह की जो कैंडल होती है ये आपको इशारा करती है कि ट्रेंड शायद अब रिवर्स हो रहा है। तो उसके बाद जो 11:30 बजे कैंडल फॉर्म हुई दोस्तों, वो एक रेड कलर की कैंडल थी, तो उसमें आप स्टॉकेस्टिक RSI में देख सकते हैं कि जो रेड कलर की लाइन है उसने ब्लू कलर की लाइन को ओवरटेक कर लिया, जबकि यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे वो 80 को क्रॉस नहीं कर रही थी, लेकिन क्योंकि ये 1 आवर का चार्ट है उसके अंदर दिन में अगर लगभग 6 घंटे की ट्रेडिंग होती है, सिर्फ 6 कैंडल्स बनती हैं, तो आप यहाँ पे इस कंडीशन को आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया तो ये एक इंडिकेशन था कि ट्रेंड जो है अब वो रिवर्स हो रहा है, और यहाँ पे दो कैंडल्स बन चुकी थी रेड कलर की। तो यहाँ पे मुझे 1 आवर के चार्ट के ऊपर लगभग 11:30 बजे के आसपास इसने भी मुझे कंफर्म किया कि इस स्टॉक में अब शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। तो जब मुझे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर और जब 1 आवर के चार्ट के ऊपर, इन दोनों चार्ट्स के ऊपर मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ अब ये जो है ट्रेंड इसका नेगेटिव है और ये इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, तो तब मैंने इसको ₹270.25 के आसपास शॉर्ट किया और उसके बाद मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया ₹267 के आसपास, तो लगभग ₹3 का इसके अंदर मुझे एक शेयर के अंदर फ़ायदा हुआ, और मैंने इसके अंदर 2,000 शेयर्स जो हैं वो शॉर्ट सेल किए थे, तो मुझे इसमें ₹6,000 का ITC के स्टॉक में आज फ़ायदा हुआ। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि आप अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए जो आपका बेसिक चार्ट सेटिंग है उसको आप 15 मिनट्स ही रखिए, उसको मत चेंज करिए, क्योंकि उसके अंदर आपके फेक सिग्नल्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और जब आपको 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपके ट्रेड सेटअप में एक सिग्नल मिले कि हाँ आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं जो भी सिग्नल है, तो आप उसको 3 या 4 टाइम्स के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर ज़रूर कंफर्म कर लें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, जब आप इस टिप को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपके जो जिसको कह लीजिए कि लॉस मेकिंग ट्रेड्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आप अपने लॉसेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका जो सिग्नल है अगर वो 3 या 4 टाइम्स के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर कंफर्म हो जाता है, तो वहाँ पे मैंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मेरी है या मैंने जो भी ट्रेड्स लिए हैं इस बेसिस के ऊपर, उसमें मैंने देखा है कि वहाँ पे जो भी जिस दिशा में आप ट्रेड ले रहे हैं वहाँ से रिवर्सल होने की संभावना काफ़ी हद तक कम होती है, बहुत कम होती है, लगभग 10 में से 1 या maybe 2 केसेस में हो सकता है कि वहाँ पे रिवर्सल हो जाए, किसी भी कारण से वो हो सकता है, कोई
न्यूज़ आ जाए या कोई बड़ा प्लेयर उसके अंदर बाय या सेल करना शुरू कर दे या एकदम मार्केट की दिशा अचानक बदल जाए। लेकिन मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया है कि आज जबकि मार्केट अप थी और अच्छी खासी अप थी, एक समय वो 75-80 पॉइंट्स अप थी, उसके बावजूद मैंने सेल ट्रेड लिया। उसके पीछे कारण ये था कि मुझे एक बहुत स्ट्रांग सेल सिग्नल मिला ITC के अंदर। उसको मैंने 15 मिनट के चार्ट का जो ट्रेंड था उसको 1 आवर के चार्ट के ऊपर मैंने कंफर्म किया और उसके अंदर मैंने जो है शॉर्ट सेल किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की जो टिप है ये पसंद आएगी, और इसी तरीके से मैं अपनी जो इंट्राडे की और टिप्स हैं जिसकी सहायता से आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं या आपके जो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो आने वाले समय में ज़रूर शेयर करूँगा। और ये सारी टिप्स आपको इंट्राडे में ज़रूर मदद करेंगी। और आप ये टिप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंट्राडे में ही इस्तेमाल करें, आप इस पर्टिकुलर टिप को स्विंग ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको स्काल्पिंग में भी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। उससे आपको एक जो आपका ट्रेंड है वो रिकन्फर्म हो जाता है, और एक बार आपका ट्रेंड रिकन्फर्म हो जाए तो आप उसके अंदर काफ़ी हद तक श्योर हो जाते हैं या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि आपका जो ट्रेड है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है, आप उसे ज़रूर पढ़ लें। और इस वीडियो में जिस भी स्टॉक को मैंने डिस्कस किया है वो मेरी तरफ से आपको कोई भी सलाह या सजेशन नहीं है कि आप उस स्टॉक में बाय करें, सेल करें, होल्ड करें या किसी तरह की पोजीशन बनाएं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल और रेफरेंस के तौर पे उस स्टॉक के बारे में चर्चा की है, और ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। किसी भी तरह के निवेश या ट्रेड के लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।